Sure. I'm only here to let you. Sorry. चलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का कॉन्ग्रेचुलेशन। मूवी को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों से भी बहुत ही दिलों को छू रहा है ये मूवी। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या प्रकार से कमेंट्स मिल रहे हैं फैंस से, फैमिली फ्रेंड्स से, क्या कैसे? जी अभी तक तो अच्छे ही कमेंट्स मिल रहे हैं और आई थिंक देयर इज अ वेरी गुड बज। सभी लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, दे आर वेरी इंट्रीग्ड टू सी कि फिल्म एक्चुअली है क्या, और जिसमें तो हमने अभी तक ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं है फिल्म के बारे में। इट्स जस्ट अ पोस्टर दैट वी हैव रिलीज्ड एंड आई थिंक जस्ट द होल फील ऑफ इट, जो वो बहुत अच्छा वाइब, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, तो आई होप कि देखने के बाद उन्हें और अच्छा लगे। हाँ, रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पोस्टर को देखकर। उसके बारे में जितना भी थोड़ा बहुत कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको देख के काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं। आई होप फिल्म देखने के बाद भी वो एक्साइटमेंट बनी रहे। ओके, अच्छा मैम, आप क्या कहना चाहिए? आप भी इस स्क्रिप्ट पे जुड़े हैं, आपने योगदान दिया अपना, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। योगदान मैंने ही बनाई है। योगदान मैंने दान किया है। सबने दान किया, उन्होंने योग दिया है। और मैंने योग दिया। तो ऑब्वियसली देखिए, द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म इज द एंटायर प्रोसेस, जो फिल्म मेकिंग का था। हर कोई फ्रॉम एवरीबडी, फ्रॉम द ईच एंड एवरी टेक्नीशियन जो इस मूवी के साथ जुड़े हैं, वो इसलिए जुड़े हैं कहानी के वजह से। वो इसलिए नहीं था कि हम कोई फिल्म बना रहे हैं तो चलो एक फिल्म बनाते हैं। जब हमने रोहित जी को कहानी नरेट की थी, वो इस फिल्म से इसलिए जुड़े क्योंकि उन्हें खेजड़ी की जर्नी बहुत अच्छी लगी, उन्हें खेजड़ी की जर्नी से प्यार हो गया। यशराज सर इज़ प्लेइंग फादर ऑफ खेजड़ी, तो जब हमने इनको नरेट किया था तो इन्होंने भी, मतलब इट्स जस्ट एवरीबडी इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द स्टोरी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने किसी को पे नहीं किया है ये फिल्म, ना सबने प्यार से बनाई है, प्यार के लिए बनाई है, और इन्होंने तो वर्कशॉप्स भी किए हैं। मतलब ये इनको हमने एक महिला घर में हमारे बांध दिया था, ये बंद कर के वर्कशॉप्स करो एक्टर्स के साथ। आई एम वेरी एक्साइटेड, द काइंड ऑफ messages fans are doing us, you know, it's so overwhelming, you know, because you have been working for the we have been working for the film for past 2 years, and finally people are so excited, you know, kyunki kashish mein wo premiere ho rahi hai, it's not going to get released as of now, but people are still so excited to know ki what is the film about, and you know, it's so nice to see, you know, your hard work is been appreciated, it's very nice, it's a good feeling. Okay, Ashish sir, we are in a different getup, so what you have done for this role? So for that you'll have to see the film. I can't boost myself up and say on my own that, you know, I've done this, I've done that. I think what we tried to achieve was this this human being. वो एक ऐसी एक इंसान को हमने अचीव करने की कोशिश की जो सिर्फ फिजिकली अलग ना दिखे आपको, बल्कि उसका उसकी सोल को आप पकड़ सकें और वो जो उसकी पूरी कहानी, उसकी जो पूरी जर्नी है, उससे रिलेट कर पाएँ। तो अब हाँ, फिजिकली डेफिनेटली अलग तो दिखूंगा ही, और उसके लिए बहुत सारी कोशिश, बहुत सारी मेहनत भी करी है,
पर उसके बारे में शायद अभी बात करना ज़्यादा वाजिब नहीं होगा, जब आप फिल्म देख लें तो उसके बारे में बात करें। सर कि क्या मेहनत की आशीष ने इसके बाद सर के पास क्या कहना चाहिए? अरे बहुत मेहनत की है, वी एक्चुअली हैड एंटायर डे, हम पूरा दिन ये तो बेचारे कुछ खाते भी नहीं थे, वो अलग बात है, रिवील नहीं करना चाहते, लेकिन ही वॉज ईटिंग नथिंग, ही वॉज हैविंग अ बोल ऑफ सोप एवरी डे, सूप एवरी डे, एंड जस्ट इन दैट कंडीशन वी यूज्ड टू वर्क ऑन हिज कैरेक्टर राइट फ्रॉम हिज फिजिकैलिटी, हिज मूवमेंट, हिज एग्जिस्टेंस टू हिज इनर जर्नी, एंड इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस, वी वर्क फॉर एटलीस्ट 20 days, 25 दिन हमने काम किया उस पर, और बहुत स्ट्रेसफुल रहा पूरा। हमारे साथ बर्टविन भी थे, बर्टी थे, जो आके यूज टू वर्क वेरी मच ऑन हिज फिजिकैलिटी, द सॉफ्टर टेंडर फेमिनिन साइड ऑफ हिम, एंड इट वॉज अ वेरी वंडरफुल फैंटास्टिक, ही इज़ गॉन थ्रू, आई मीन इफ आई सॉ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंट ऑफ मी, एंड आई वॉज लाइक बोथ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड दैट विल सी इन द फिल्म। हाँ, वही वजह है एक्चुअली जिसके लिए हम ये बना रहे हैं कि सेंसिटिव चीज़ों क्यों आप ये इशू क्यों बनाते हैं, उसके बारे में डायलॉग क्यों नहीं हो सकता, उस पर बात क्यों नहीं की जा सकती है, उस पर इशू ही क्यों हो सकता है हमेशा, जबकि आप हम अपने ज़बान से कह रहे हैं कि सेंसिटिव इशू है, मतलब उसको सेंसिटिविटी के साथ ही हमें देखना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए, इसीलिए वो सेंसिटिव होता है। अब उस पर हम हार्श हो जाएं, उस पर हम डायलॉग ना कर सिर्फ उसके ऊपर बहस करें, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वही हमारी फिल्म कहना चाहती है कि हम कुछ सिखा नहीं रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं बता रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जैसे हम हैं वैसे हम उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर सबसे पहले हम उसे एक्सेप्ट ही कर लें कि हम कौन हैं, आई थिंक बाकी की बातें बाद में शुरू होंगी, हम पहले मान तो लें कि हम हैं क्या, तो हम मानते ही नहीं कि हम कौन हैं, हमारी क्या कमजोरियां हैं, तो एटलीस्ट हम एक्सेप्ट करें, उतना ही हम कहना चाह रहे हैं। ओके, अच्छा, मैं नॉट रॉन्ग, यू आर आल्सो रिटन दिस स्टोरी, या राइट, सो व्हाई यू चूज दिस प्लॉट? आई मीन बेसिकली द फिल्म इज बेस्ड ऑन अ शॉर्ट स्टोरी कॉल्ड संझा, इट्स बीन रिटन बाय किरण सिंह जी, शी इज अ लखनऊ बेस्ड राइटर एंड अ टीचर। ये कहानी हमारे पास आशीष के फादर और मेरे फादर इन लॉ के थ्रू आई थी। मेरे फादर इन लॉ भी पोएट है और वो हंस मैगजीन के लिए लिखते थे, तो उन्होंने ये कहानी वहाँ पे पढ़ी थी, और हमारी जब शादी हुई थी तो 2013 की बात है, तो उन्होंने ये कहानी आशीष के साथ शेयर की थी, सिर्फ कहा था कि पढ़ो, और जब इन्होंने ये कहानी पढ़ी तब इन्होंने कहानी मुझे दी और कहा कि तुम भी पढ़ो, तो जब मैंने पढ़ी तो मैं जब वो कहानी पढ़ रही थी, इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, I could see a very nice, interesting screenplay in it. And till the time we discussed about the film, and he was already doing 2 shows together. So I said ki you do your shows, let me work on the script. Let's see ki kya ye kahani script mein ban sakti hai, ek screenplay ban sakti hai, kya ek film ban sakti hai. To hum bahut soch rahe the ki pehle short story banayenge, kya hoga. Par jab maine develop karna shuru kiya, so it turned out to be a feature film. It's a proper film. Maine kaha ye to proper film ban rahi hai. Tab us waqt hame aisa laga ki ha theek hai banayenge. फिर जैसे ही हम उसका प्रोसेस हमने और एक साल कंटिन्यू किया, और जिस तरह से फाइनल प्रोडक्ट आया, हमने कहा कि नहीं, ये हमारी पहली फिल्म होनी चाहिए हमारे बैनर के अंदर, दिस शुड बी आर फर्स्ट फिल्म, बिकॉज इट इज़ द कॉन्टेंट इज़, इट इज़ अ कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म, इट्स इट डजन हैव यू नो लाइक बिग स्टार्स, ओनली 3 एक्टर्स इन द फिल्म, इन द एंटायर फिल्म, एंड वेन वी वर राइटिंग द स्क्रीन प्ले, आई एंड आशीष हैव रिटन द स्क्रीन प्ले टुगेदर, वी फेल इन द यू नो लव विद केजीडी, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूमन स्टोरी, एंड यू नो एंड आई थॉट कि अगर एक शॉर्ट स्टोरी मुझे इतना टच कर सकती है, जिसके मतलब मैं आई एम गोइंग टू द एक्सटेंड ऑफ मेकिंग अ फिल्म आउट ऑफ इट, सो आई होप कि द फिल्म टचेस पीपल्स हार्ट। ओके आशीष सर, हमने देखा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रहे हैं अभी प्ले, तो कैन वी से ये फर्दर स्टेप है एक बिग मूवी में आने के लिए, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट अवतार में एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो? नहीं, ऐसा कोई स्टेप नहीं है कि मुझे, और मेरे हिसाब से कोई बड़ी फिल्म छोटी फिल्म नहीं होती, अच्छी या बुरी फिल्में होती हैं बस, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अच्छी फिल्मों में काम करूँ, अच्छे कंटेंट को लेकर काम करूँ, और एनीवेज मीडियम्स को लेकर मैं कभी इतना सीरियस रहा नहीं, और ना ही मैंने कभी इनको इतनी तवज्जो दी है लाइफ में, क्योंकि कहानी कहने का माध्यम कोई भी हो सकता है, मकसद कहानी कहना है, और मैं बस अच्छी कहानियों का हिस्सा होना चाहता हूँ, टीवी पर हो, फिल्मों में हो, डिजिटल स्पेस में हो, नाटक के मंच पर हो, कहीं पर भी हो,
तो अच्छी कहानी कहना मेरा मकसद है बस। ओके लास्ट में सर, लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप सभी, आपके मूवी के थ्रू लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सभी? खेजड़ी देखिए, देख के बताइए मैसेज उसके बाद। आप हमें मैसेज दीजिए। You hope you guys have a very good screening and you all of you like the film. Please be at the screening. Please please watch the movie. Please watch the movie. And do give us your honest feedback. Right. Please do. Thank you. After the world premiere of KGD at Kashish 2018, the audience is going to come here and write their reviews right here near the poster. Oh, wow! And we're waiting for you. Thank you so much. And now we'll be having.